नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। ग्रेजुएट चाय वाली के स्टॉल पे पहुंचे साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार। महागठबंधन आज एकजुट होकर जन सरोकार के मुद्दे पर निकालेंगे प्रतिरोध मार्च। जगदीप धनखड़ होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। मेजबान इंग्लैंड को मात देकर कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने फायर सेफ्टी ऑफिसर और सिक्योरिटी मैनेजर के कुल मिलाकर 103 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को फायर सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए फायर इंजीनियरिंग या समकक्ष डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होने के साथ ही 1 से 3 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। वहीं सिक्योरिटी मैनेजर पद के लिए ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब जीविका दीदी की रसोई का शुद्ध खाना खाएंगे मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के इंडोर मरीजों के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था के लिए इसका जिम्मा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई को देने का निर्णय लिया है। मतलब ये कि अब मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जीविका दीदियों की दीदी की रसोई से भोजन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई के बेहतर कार्य को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी मरीजों के लिए भोजन की जिम्मेदारी उन्हें देने का फैसला लिया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नरेंद्र कुमार पांडे की। नरेंद्र कुमार पांडे एक भारतीय सर्जन, अस्पताल प्रशासक और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक हैं, जो वीडियो असिस्टेड थोरकोस्कोपिक सर्जरी VATS में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि नरेंद्र कुमार पांडे जन्म 1 जनवरी 1951 को बिहार के सारण जिले के दूरस्थ गांव बिष्णुपुरा में हुआ था। नरेंद्र पांडे को दिल्ली डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 1997 में पांडे को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। उन्हें 2010 में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया से बीटाडीन अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय 2013 ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस से भी सम्मानित किया। ग्रेजुएट चाय वाली के स्टॉल पर चाय की चुस्की लेने पहुंचे साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता विजय देवरकोंडा बीते दिन राजधानी पटना पहुंचे। खास बात तो यह रही कि उन्होंने पटना की फेमस ग्रेजुएट चाय वाली से मुलाकात की और उन्हें बेस्ट विशेस दिया। दरअसल अभिनेता विजय देवरकोंडा अपने अपकमिंग फिल्म लाइगढ़ के प्रमोशन के लिए बिहार आए हुए हैं, जहां उन्होंने लोकप्रिय ग्रेजुएट चाय वाली के स्टॉल पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और सुबह की चाय की चुस्की ली। प्रियंका गुप्ता ने शायद ही कभी सोचा होगा कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा उनकी टी स्टॉल पर पहुंचेंगे। वहीं शनिवार सुबह 6 अगस्त को विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म लाइगढ़ का गाना आफत भी रिलीज हो गया था। रघुनाथपुर स्टेशन के नाम बदलने की अनुशंसा को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर इसके लिए अनुशंसा की थी। मुख्यमंत्री की यह कोशिश सफल हुई है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें रेल मंत्रालय ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने के संबंध में अपनी अनापत्ति दे दी है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर स्थित ब्रह्मपुर प्रखंड में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है। यह मंदिर मनोकामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है, जहां जलाभिषेक के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है। मंदिर के निकट ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है। जिले के बाहर से श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए यह रेलवे स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बीपीएससी ने जारी किया 31वें बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का इंटरव्यू कार्यक्रम। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 31वें बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में सफल अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार बिहार 31वें जुडिशियल सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू 22 अगस्त 2022 से 3 सितम्बर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। बीपीएससी ने इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर और इंटरव्यू में शामिल होने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर जरूर विजिट करें। यहीं से आपको अपना रोल नंबर, अपने इंटरव्यू की डेट और अन्य जरूरी निर्देश मिल जाएंगे। पृथ्वी दिवस के मौके पर राज्य के स्कूली बच्चे लेंगे ये संकल्प। इस बार 9 अगस्त की बजाय 8 अगस्त को प्रदेश में बिहार पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाने वाला है। इस मौके पर राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं पर्यावरण बचाने का संकल्प लेंगे। वो ये भी संकल्प लेंगे कि साल में कम से कम एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। यह संकल्प पृथ्वी दिवस पर राज्य भर के सभी स्कूली बच्चे अपने अपने स्कूल में सामूहिक रूप से लेंगे। आपको बताते चले कि वर्ष 2012 से ही क्रांति दिवस पर 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। चूंकि इस बार 9 अगस्त को मुहर्रम है, इसलिए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को एक दिन पूर्व ही 8 अगस्त को पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। बिहार वासियों पर मॉनसून एक बार फिर हुआ मेहरबान। बिहार में मॉनसून के कमजोर पड़ने के बाद पिछले 3 दिनों से सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीते दिन देर शाम एक बार फिर से मॉनसून बिहार वासियों पर मेहरबान हुआ और देर शाम राजधानी पटना सहित प्रदेश के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ तेज बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार को दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी और अलर्ट जारी किया था। ऐसे में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं आज भी दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार में मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है। इस जिले में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिहार के लखीसराय जिले में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। जी हां, भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए लखीसराय का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत 8,55,00,000 की लागत से मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव मिला है। शहर के गांधी मैदान के पास खेल भवन के बगल में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं एवं बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना है। डीएम संजय कुमार सिंह ने मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। केसरिया पूर्वी चंपारण से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण साहिबगंज चकिया मार्ग पर लाल छपड़ा चौक के पास अवस्थित है। यह पुरातात्विक महत्व का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ एक वृहद बौद्धकालीन स्तूप है जिसे केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर जाते हुए एक रात केसरिया में बिताई तथा लिच्छवियों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान किया था। पूर्वी चंपारण जिले की भौगोलिक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत युगों से रही है, परंतु 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग द्वारा केसरिया में उत्खनन के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मिलने के बाद बिहार ने अपने अतीत का गौरव फिर से प्राप्त कर लिया। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए शेड्यूल हुआ जारी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले फेज के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार पहला चरण 17 से 25 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। वहीं परीक्षार्थियों को अपने सेंटर और तिथि की जानकारी आगामी 9 अगस्त को मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए 1,03,000 पदों पर भर्ती होनी है। इस परीक्षा में बिहार से 19,50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं देश भर से इसके लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने पर घटी मनरेगा मजदूरों की संख्या। मनरेगा श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होने से बिहार में इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। वहीं मनरेगा मजदूरों की संख्या जून की तुलना में 1/3 घट गई है। जून में 22,00,000 श्रमिक प्रतिदिन काम कर रहे थे। धीरे धीरे घटकर यह आंकड़ा 8,00,000 से नीचे आ गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इस बार बारिश भी कम हुई है, इसलिए मनरेगा में काम उतना प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 2 महीने से मजदूरी समय पर नहीं मिलने से श्रमिक कम आ रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों की 1,496 करोड़ मजदूरी बकाया है। इसके भुगतान के लिए पूरी सूची रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को भेजी गई है, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ है।
बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक के ससुराल समेत चार ठिकानों पर छापेमारी। बीपीएससी सरसठवीं प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार जांच की जा रही है और संदिग्धों के यहां छापेमारी भी की जा रही है। इसी सिलसिले में बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी रंजीत कुमार रजक के पटना, कटिहार और अररिया के चार ठिकानों पर छापेमारी कर जांच पड़ताल चल रही है। आपको बताते चले कि पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के नीति बाग कॉलोनी स्थित वीना विहार में किराए का फ्लैट, कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के हसवर गांव स्थित पैतृक मकान एवं वहीं के हैप्पी फ्यूल्स पेट्रोल पंप एवं अररिया जिले में रंजीत कुमार रजक की ससुराल महादेव चौक वार्ड नंबर 15 में शिवानंद बैठा के आवास पर डीएसपी एवं इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में डीएसपी रंजीत कुमार रजक समेत कुल 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर लिखे जाने तक छापेमारी की कार्रवाई जारी थी। अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर पाएंगे उद्योग धंधा। बिहार में अब आप बिना रजिस्ट्रेशन के उद्योग धंधा नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि उद्योग विभाग ने अपने सभी जिला उद्योग केंद्रों को यह लक्ष्य दिया है कि जो उद्यम बगैर किसी निबंधन के चल रहे हैं उनका अभियान चलाकर निबंधन कराया जाए। पूरे बिहार में निबंधित MSME की संख्या वर्तमान में 3,86,711 है। उद्योग विभाग के आंकड़े के अनुसार पटना जिले में बगैर निबंधन के चलने वाले उद्योग की संख्या सबसे अधिक है। पटना जिले में निबंधित उद्यमों की संख्या 53,466 है। उद्योग विभाग का आकलन है कि यहां 8,29,956 उद्यम बगैर निबंधन के चल रहे हैं। पटना जिले को यह लक्ष्य दिया गया है कि उन्हें 7,76,490 उद्यमों का निबंधन कराना है। नेशनल गेम्स के लिए बिहार महिला कबड्डी टीम घोषित। बिहार की बेटियां अब गुजरात में अपने राज्य का नाम रोशन करेंगी। आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले 36वें नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले बिहार महिला कबड्डी टीम का चयन कर लिया गया है। चयन प्रतियोगिता पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई, जिसमें सिलेक्शन ट्रायल के बाद ट्रेनिंग कैंप के लिए 16 प्लेयर्स के नामों की घोषणा हुई है। खिलाड़ियों के चयन की घोषणा बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय सिंह ने की है। टीम में पूर्व मध्य रेल की 4 खिलाड़ियों के अलावा 5 खिलाड़ी पटना जिले की हैं। इसके अलावा अररिया, गया, सीतामढ़ी, लखीसराय, पूर्णिया और नवादा जिले की खिलाड़ी चुनी गई हैं। महागठबंधन आज एकजुट होकर जन सरोकार के मुद्दे पर चलाएंगे प्रतिरोध मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आज यानी 7 अगस्त रविवार को जन सरोकार के मुद्दे को लेकर महागठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। इसके लिए महागठबंधन की ओर से तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। इस प्रतिरोध मार्च की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसका समर्थन लेफ्ट सहित कांग्रेस भी कर रही है। आपको बताते चले कि इस प्रतिरोध मार्च में सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, नौकरी आदि मुद्दों के साथ ही महंगाई के विरोध में हल्ला बोलने की राजद ने पूरी तैयारी की है। महागठबंधन आज एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने वाला है। तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च पर बीजेपी का कटाक्ष। 7 अगस्त यानी आज महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च निकल रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष भी खूब निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में इस मार्च पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। राजद के प्रतिरोध मार्च के औचित्य पर सवाल उठाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। उनके लिए महंगाई का अर्थ है कि अब उनका गाय दूहने वाला करोड़ों की जमीन उनको दान में नहीं दे पा रहा है। मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार रहेंगे अनुपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक होने वाली है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के अलावा सभी राज्यों एवं विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रीगण शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है कि क्या NDA में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल में भी शामिल नहीं हुए हैं। इसके बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में भी शामिल होने दिल्ली नहीं पहुंचे। इसके बाद बिहार दौरे पर आए अमित शाह और JP नड्डा से भी मुलाकात नहीं की थी। जगदीप धनखड़ होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति।
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को हराया है। आपको बता दें कि धनखड़ को इस चुनाव में 528 मत मिले। इस मत में 15 मत अमान्य हो गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 780 में से 725 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में TMC के 34 सांसदों, SP और शिवसेना के 2 और BSP के 1 सांसद ने वोटिंग से अपने आप को अलग कर लिया। बता दें कि इस चुनाव में अलवा को कुल 182 मत ही मिले हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव को जीतने के लिए 390 मत चाहिए थे। वहीं भाजपा के पास 394 सांसद हैं। आंकड़ों को देखते हुए पहले ही कहा जा रहा था कि बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत पहले से तय मानी जा रही है। बिहार के पूर्व भाजपा प्रभारी से उप मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बीते दिन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मालूम हो कि बिहार में भाजपा प्रभारी की जिम्मेदारी घोषित तौर पर किसी नेता के पास नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार BJP के प्रभारी रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान अब तक 2 दफे बिहार आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। CM नीतीश से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार BJP नेताओं के साथ बैठक की थी। कहा जाता है कि बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय नेतृत्व के फरमान को सुनाया था। वहीं अब तारकिशोर प्रसाद दिल्ली दरबार में जाकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को DPCM ने शिष्टाचार मुलाकात बताई है। मेजबान इंग्लैंड को मात देकर कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में T20 सीरीज के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने मेजबान इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद तो भारतीय टीम के लिए मेडल तो पक्का हो गया है। इस वेस्टर्न में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 61 रन, जिमीवा ने 44 और दीप्ति शर्मा ने 22 की पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से फ्रेया कैंप ने सबसे अधिक 2 विकेट चटकाए। वहीं आज टीम इंडिया फाइनल खेलने मैदान में उतरेगी। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए इस दिन तक करवाएं EKYC। बिहार के करीब 19 लाख किसान ने KYC नहीं करवाई है। अगर ये किसान आगामी 15 अगस्त तक EKYC नहीं करवाया तो ये किसान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाना है तो 15 अगस्त तक CSC सेंटर पर जाकर EKYC करवाना जरूरी है। जो किसान EKYC के जरिए सत्यापन कराएंगे उन्हें किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का भुगतान किया जाएगा। सत्यापन नहीं करवाने वाले किसान के बैंक खाते में पैसा नहीं जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को 1979 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया। भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपये देने का निर्णय 2006 में लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से 2008 में समाप्त घोषित किया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 1914 में हुआ। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की 1631 को मृत्यु हो गई। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति VD जत्ती का निधन 2002 में हुआ। YouTube वीडियो में देखने को मिलेगा ये खास फीचर। अब आप YouTube पर भी वीडियो में चल रही तस्वीर को जूम करके देख पाएंगे। जी हाँ, Google के स्वामित्व वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपने प्रीमियम ग्राहकों के साथ अपने मोबाइल ऐप में एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है जिसमें आप किसी भी वीडियो को जूम इन करके देख सकते हैं। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार लेटेस्ट ऑप्ट इन प्रायोगिक फीचर वीडियो के लिए पिंच टू जूम जेस्चर को एक्टिव करेगा और यह पोर्ट्रेट और फुल स्क्रीन लैंडस्केप व्यू दोनों में काम करेगा। और हाल ही में यह घोषणा हुई है कि उपयोगकर्ता अब अपने iOS और एंड्रॉयड ऐप में एक नया एडिट इन शॉर्ट टूल जोड़कर अपने लंबे वीडियो को छोटा कर सकते हैं। बिहार में मिले COVID-19 के 200 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 225 मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1019 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 10, अरवल में 9, बांका में 2, भागलपुर में 19, भोजपुर में 3, दरभंगा में 2, गया में 10, जहानाबाद में 2, कटिहार में 2, किशनगंज में 3, लखीसराय में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 2, पटना
पटना में 68, पूर्णिया में 21, रोहतास में 11, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 3, सारण में 6, शेखपुरा में 5, शिवहर और सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 15 और वैशाली में 5 मामलों की पुष्टि हुई है और एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं लेकिन सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 117,911 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 227 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, राजकुमार प्रसाद, बासु के पंजियाड़ा, भान प्रकाश मौर्य, गरीब सिंह, राफिया अजाज, डीके सिंह, करण सिंह मेहरा, कन्हैया सिंह, अब्दुल हफीज, मोनू कुमार और पूजा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।